क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? फर्स्ट ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन सेकंड ट्रेड में वो प्रॉफिट खत्म होकर -10,000 में आ जाता है। एंड क्या आप थोड़ा प्रॉफिट होते के साथ एग्जिट कर जाते हो, लेकिन जब लॉस होता है आप ट्रेड को होल्ड करते हो यही एक्सपेक्ट करके कि मार्केट फिर से रिवर्स होगा और प्रॉफिट होने वाला। एंड ट्रेडर्स ये मिस्टेक बार बार करते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग का गोल्डन मैथ रूल पता नहीं है। जस्ट इमेजिन आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको एक 10 करोड़ का ब्रीफकेस मिलता है, आप कहाँ यूटिलाइज करोगे? ऑब्वियस बात है आप अपने लिए कुछ खरीदोगे, गाड़ी, घर, कहीं इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड पे, रियल एस्टेट पे, एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, रेस्टोरेंट खोल दोगे ताकि आपको वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते रहे। जब आपको यहाँ पे फ्री का पैसा मिलने के बाद आप एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ट्रेडिंग में पूरा कैपिटल क्यों यूज कर लेते? बिकॉज ट्रेडर्स का ग्रीड बहुत ज्यादा है, उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा आप मार्केट में कितना कैपिटल यूज करोगे और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे।